आप कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ओके सो गाइस वेलकम अगेन इन अनदर नीफ वीडियो। तुम लोग सोच रहे हो फैक्टर तुमने यहाँ पे अलोक वर्सेस यहाँ पे डीवी नहीं किया। अब देखो अलोक वर्सेस डीवी करने का एक सिंपल सा रीजन है कि दोनों के पास एक एबिलिटी एकदम सेम है, मतलब 15% इसका भी मूवमेंट स्पीड, 15% उसका भी मूवमेंट स्पीड। अब देखो अगर हम दोनों का मूवमेंट स्पीड एक साथ स्पीड कर दें और दोनों के पास यहाँ पे मूवमेंट स्पीड टेस्ट करें तो मतलब अलग से आएंगे ना, तो ये चीज़ हम करने वाले हैं इस वीडियो में। अब देखो यहाँ पे हम एक्यूरेंसी भी टेस्ट कर ही लेंगे इस वीडियो में, बिकॉज यहाँ पे डीवी के पास एक्यूरेंसी है और कहीं ना कहीं न्यू करेक्टर है तो डीबी पे अपना फोकस रहेगा। अब देखो यहाँ पे अलोक के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो तो मुझे नहीं लगता अलोक के बारे में मुझे ज़्यादा चीज़ बताना चाहिए आपको, बट यहाँ पे सीन ये है कि भाई डीबी वर्सेस अलोक करने वाले तो मज़े बहुत ज़्यादा आने वाले। अब वीडियो का देना लाइक, क्योंकि लाइक आप लोग के बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको यहाँ पे सबसे फेवरेट आप लोग का पेट कौन सा है, मतलब पेट बताना कि PET पेट, समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप लोग का फेवरेट कौन सा है, मतलब किसको आप ज़्यादातर यूज करते हो, ठीक है? अब देखो गाइस सीन आप लोग के दिमाग में एक चीज़, भाई एक चीज़ तो भूल गए भाई, अभी तक तुमने अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, तो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, मतलब हमारा इंस्टाग्राम भी है तो फॉलो कर सकते हो, कर देना फॉलो वहाँ पे, मतलब फिर से रिवील भी करेंगे तो वहीं पे करेंगे, पता नहीं कब करेंगे बट बहुत जल्द, ठीक है? तो चलो गाइस सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, बोल चुका हूँ ओके। चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पास भी देखो 15% यहाँ पे मूवमेंट स्पीड है, तो मूवमेंट स्पीड तो आप लोग को पता है, एबिलिटी का पहले से पता है, मूवमेंट स्पीड मतलब हेल्थ एबिलिटी तो पता है, मूवमेंट स्पीड मैंने तो यहाँ पे देखो मैंने अलोक की एबिलिटी भी यूज कर दी है। और यहाँ पे जो हमारा डीवी कैरेक्टर है वो पैसिव कैरेक्टर है, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक स्टार्ट है, उसको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो दोनों को हमने एकदम लगातार रनिंग कराया ताकि यहाँ पे अगर, क्योंकि बार बार यहाँ पे हम अलोक की एबिलिटी यूज़ तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका पैसिव नहीं एक्टिव है, सो यहाँ पे टेस्टिंग में ये पता चलता है कि भाई एक सेकेंड का फासला था डीबी में, मतलब भाई डीबी का अगर मूवमेंट स्पीड की बात करोगे तो एक सेकेंड, समझ रहे हो? अब देखो इसका प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे गेम खेला हूँ, ठीक है? अब देखो उस बंदे को मैंने मूव करके फायरिंग किया, उस बंदे ने हमें एक भी डैमेज नहीं दिया, समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप लोगों को डीबी में प्लस पॉइंट मिलते हैं, मतलब अगर हम मूव करके फायरिंग करते हैं तो भाई साहब मतलब एकदम गजब होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने लोगों ने एक और टेस्ट किया, बिकॉज एक टेस्ट से तो भाई कुछ होने वाले नहीं थे तो हमने दो टेस्ट किया हो, ठीक है? तो एक टेस्ट अभी और देखो, उसके बाद एक्यूरेंसी में आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले देखो दोनों एक इक्वल यहाँ पे स्टार्ट हुआ। अब देखो आपको इक्वल ही है दोनों, लेकिन आगे पीछे लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखो अभी देखना डिस्टेंस, देखो कितना डिस्टेंस है। अभी देखो जब यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस था, जैसे यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे जाते भाई साहब मतलब यहाँ पे भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब एक सेकेंड से भी कम, तो मुझे लगता है मतलब शॉर्ट डिस्टेंस में डीबी मूव करने के लिए तो सही है, बट अगर आप लॉन्ग रेंज में मतलब एकदम मूव करके ऐसे ट्राई करोगे तो भाई यही सीन होने वाला है कि मतलब देखना यहाँ पे, देखना यहाँ पे अभी आपको लग रहा है अलोक आगे, बट यहाँ पे अलोक आगे नहीं है, मतलब भाई कैमरा क्या ही एंगल है, बट यहाँ पे सीन देखना एकदम लास्ट पोजिशन देखना क्या सीन होता है। तो भाई साहब मतलब अचानक यहाँ पे डीबी जस्ट थोड़ा सा आगे, समझ रहे हो? एकदम बराबर ही कह सकते हो, तो लॉन्ग डिस्टेंस में मुझे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं देखने को मिला है, बट थोड़ा सा शॉर्ट रेंज में। अब देखना यहाँ पे, देखना यहाँ पे सामने वाला बंदा आपके पास M4A1 है, अपने पास MP5 है, तो गन से तो मायने नहीं है, फायरिंग से मायने है, ठीक है? तो यहाँ पे अलोक की तो ऐसे भी मायने नहीं है, अलोक अगर यहाँ पे फायरिंग ना करे फिर भी चलेगा यहाँ पे, लेकिन डीबी को फायरिंग करना होगा और मूव करना होगा, तो यहाँ पे भी देखना थोड़ा सा स्पीड है डीबी में, बट अगर फायरिंग करते हो मतलब एकदम स्लाइड करके फायरिंग करते हो तो भाई डीबी आपके बहुत काम आने वाले हैं। अब देखो आपके पास क्वेश्चन होंगे भाई एक्यूरेंसी दोनों को दिखाओ, तो अगर आप एक्यूरेंसी सोच रहे हो तो यहाँ पे देखना मैं दोनों के पास अलग अलग वेपन भले ही है, लेकिन यहाँ पे हेड मायने, मतलब सबसे पहले हेड किसका पकड़ने वाला है, बिकॉज यहाँ पे देखना भाई साहब मतलब देख रहे हो हेड बहुत जल्द पकड़ता है। अब देखो इससे भी फास्ट जब हमने दोबारा टेस्ट किया तो इससे भी फास्ट हेड अपने को देखने को मिला, तो भाई इसका एक्यूरेंसी ना एकदम ओपी है, मतलब हेड के लिए तो भाई मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है, बिकॉज भाई 35% एक्यूरेंसी तो भाई मजे ही मजे। अब देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा भाई मतलब अलोक की एबिलिटी चलो मानते हैं, अलोक से 1 सेकेंड मूवमेंट स्पीड इसका इंक्रीज है, बस अलोक के पास हेल्थ पावर है और इसके पास हेल्थ पावर नहीं है, इसके बाद डीबी के पास एक्यूरेंसी पावर है जो कि अलोक के पास नहीं है, बट अगर मूवमेंट स्पीड की बात करोगे तो अलोक से 1 सेकेंड कह सकते हो, बट अगर बात करोगे मूवमेंट एबिलिटी तो भाई अलोक जाओ, और अगर बात करोगे मतलब ये पैसिव है तो भाई ऐसे भी किसी भी कैरेक्टर के साथ चिपका सकते हो तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे मतलब फैक्टर तुमने यहाँ पे अलोक के साथ किया तो भाई क्रोनो के साथ वीडियो हमें कौन देगा, तो गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं क्रोनो से भी इसका मूवमेंट स्पीड वर्सेस कर दूं तो नीचे कमेंट करके बताना, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो भाई मैं वीडियो बना दूंगा ओके। तो वीडियो पसंद आने वीडियो को लाइक कर दो, तब तक लिस्ट गुड बाय एंड टेक केयर।